हेलो एवरी वन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल और जैसा कि हमारी राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यू दो हज़ार की सीरीज कंटिन्यू चल रही है तो उस सीरीज में आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें जो भी लास्ट एक हमारा सी पी आई डब्ल्यू पी आई जो प्राइस इंडेक्सेस हैं वो छूट गए थे आई छूट तो क्या गए थे मतलब मैंने छोड़ दिए थे फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में जो उससे रिलेटेड था माइक्रो इकोनॉमिक्स से तो आज हम वो देख लेंगे देन हमारा एक कोऑपरेटिव वाला पोर्शन छूट गया था सेकंड चैप्टर से जो एग्रीकल्चर का था वो हम देखेंगे साथ ही साथ में तीसरा चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो हम कंप्लीट देख लेंगे ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सबसे पहले प्राइस इंडाइसिस या प्राइस स्टेटेटिक्स है उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं किया है फॉलो किसी भी हमें सोशल मीडिया पर या कोई छूट गया है तो आप लोग जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में पर कैपिटा इनकम और ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आर एस मीन्स दो हजार बारह आर एस मीन्स दो हजार बारह जब भी हुआ था जिस भी साल में कंप्लीट किया गया था इसको तब चार साल पहले के पूछे थे इन्होंने ठीक है उस टाइम के इकोनॉमिक रिव्यू में आप लोग जाओगे तो चार साल पहले की आ, पर कैपिटा इनकम पूछी गई थी इसको पीसीआई से डिनोट किया जाता है ये भी दो चीजों पर होती है एक तो कॉन्स्टेंट ईयर जो क्या लिया गया है पर कैपिटा इनकम राजस्थान के लिए ध्यान रखना राजस्थान के लिए पर कैपिटा इनकम के लिए जो कॉन्स्टेंट टेट लिया गया है वो दो हजार लिया गया है ये तीन चार जो ईयर है वो याद रखना अलग से और एक बात की ठीक है इससे पहले जो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस है इससे सबसे फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं अगर आप लोगों को वो नहीं पता है तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं डिटेल में यहां पे बस मैं आप लोगों को बताता चलूंगा ये तीन से चार डाटा और ये तीन से चार डाटा याद रख लेना ये याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं परसेंटेज वाला ये कितने कितने हैं और ये कितने कितने हैं है, ये याद रखना है वापस मैं ये बताता हूँ राजस्थान एसीएफ का एग्जाम हुआ था अभी 2018 का उसमें भी पर पर कैपिटा इनकम 2018 हजार अठारह उन्नीस के सत्रह अट्ठारह की पूछी गई थी ठीक है आई थिंक ये वाली पूछी गई थी जहाँ तक मुझे याद है ये वाली इन दोनों में से कोई एक पूछी गई थी तो ये चीज याद कर लेना रट लेना एक बात और आप सोचते हो कि इतना याद नहीं करेंगे तो याद करना पड़ेगा सीधी सी बात है एग्जाम क्लियर करना है तो याद करना ही पड़ेगा आप लोग कोई छोटा मोटा एग्जाम देने नहीं जाओगे अः जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले मैं बता दू छोटे मोटे की बात ही नहीं है इवन जो इस का एग्जाम है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आया मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि कौन सा क्वेश्चन सीधे उठ के आया था और काफी परेशान भी किया था उस क्वेश्चन ने बच्चों को ठीक है तो कोई भी एग्जाम हो याद करना ही पड़ेगा सबसे पहले तो आपको पता है कितना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है सरकारी नौकरी पाने के लिए सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा और वो अलग यही है ठीक है किताबें सब पढ़ के जाते हैं सारे चैप्टर सब रट जाएंगे लेकिन इकोनॉमिक रिव्यू लगभग लोग छोड़ के जाते हैं आप अगर ये करके जाओगे तो आपको मान के चलो पांच से छह क्वेश्चन में एज रहेगी रहे आर एस का अगर एग्जाम दे तो प्रिय का तो दस से बारह क्वेश्चन में आप एज रहोगे ठीक है ये पर कैपिटा इनकम होगी और ये थी कॉन्स्टेंट प्राइस पे दो हजार ग्यारह बारह है जो बेस ईयर और ये है इसका करंट प्राइस पे तो ये भी देख लेना चार से पांच लास्ट ईयर की और ये छोड़ सकते हो आप लोग क्योंकि एस्टिमेटेड अभी कन्फर्म नहीं है ठीक है एडवांस एस्टिमेट किया जाता है इसका कंफर्म नहीं होती है एक मतलब आइडिया लगाया जाता है फॉर एग्जांपल 2019 में जब सॉरी दो हजार बीस में जब कोविड से पहले आइडिया लगाया गया होगा तो बहुत ज्यादा आई होगी लेकिन जब रियल में उसका निकाला जाएगा तब हालत खराब होगी होगी क्योंकि पर कैपिटल इनकम कहाँ से होगी जब पूरा लॉकडाउन लग गया कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ माइनस में सारी ग्रोथ चलेगी इंडस्ट्री वगैरह की माइनस छह के आसपास पहुंच गई थी तो पर कैपिटल इनकम अपने आप कम हो जाती है तो इसलिए एडवांस है एडवांस को इतना सही नहीं माना जाता जो रिवाइज होती है वो सबसे सही मानी जाती है ठीक है रिवाइज एस्टिमेट होता है वो सबसे सही होता है फिर हम आते हैं प्राइस स्टैटेटिक्स इन इंडिया तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टेट स्टेटिस्टिक्स डीई एस कहा जाता है उन्नीस सौ सत्तावन से इनके पास पूरा डाटा है और वीकली बेसिस पे तीन चार सेंटर हम देखें क्या है लाइव स्टॉक प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट है जो भी लाइव स्टॉक होते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन बिल्डिंग लेबर आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ठीक है उन्नीस सौ सत्तावन से ये जो साइड डेटा है आपको जो सामने दिखाई दे रहे हैं लाइव स्टॉक के हुए वेजेज हुई चाहे प्रोडक्शन हुआ उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है और इसी बेसिस पे होलसेल प्राइस होलसेल प्राइसेस मंथली और कंज्यूमर प्राइसिस इंडासेस इंडस्ट्रियल वर्कर के अलग अलग uh, प्रिपेयर किए जाते हैं और किसके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला ठीक है यह है सेंटर की बात की जा रही है लेजर ब्यूरो लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला से शिमला में पूरा का पूरा जो डेटा है कंपाइल होता है सी पी का और वहाँ से पूरी की पूरी रिपोर्ट बाहर आती है अब हम देख लेंगे थोड़ा थोड़ा करके डब्लू पी के बारे में तो सबसे पहले हम अगर बात करें डब्लू के बारे में तो यह है डब्लू जिसको क्या कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स और इसका बेस ईयर याद रखना आर एस में पूछा जा चुका है और अभी ए सी एफ में भी पूछा गया था इसका बेस ईयर क्या है उन्नीस सौ निन्यानवे दो हजार ठीक है जो कॉन्स्टेंट ईयर का बेस ईयर लिया जाता है वो क्या है इसका उन्नीस सौ निन्यानवे दो हजार पी आई का राजस्थान के लिए ठीक है और वन फिफ्टी फोर कमोडिटीज है कितनी अगर कॉमोडिटी पूछ ली जाए कि इसके अंदर कितने आर्टिकल को रखा गया वन फिफ्टी फोर को रखा गया है जिसमें सेवेंटी फाइव तो प्राइमरी आर्टिकल है मतलब सामान होते हैं जो खाने पीने का सामान साबुन तेल वो सब होते हैं इसमें सिक्सटी नाइन मैन्य मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है प्राइमरी में जैसे गेहूं हो गया चावल हो गया और मैन्युफैक्चर्ड में बिरयानी होगी रोटी होगी इस टाइप से आप मान के चल सकते हो तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कौन कौन से हैं बस ये याद रखना बायफर्केशन टोटल वन फिफ्टी फोर है और ये थोड़ा सा नंबर याद रखना और दस क्या है फ्यूल आइटम है पेट्रोल वगैरह हो गया जो ठीक है अब इनको अलग अलग वेट असाइन किया जाता है इनको अलग अलग वेट असाइन किया जाता है कि मतलब प्राइमरी आर्टिकल कितना दिया गया थर्टी थ्री पॉइंट एट नाइन फोर हंड्रेड में से टोटल इसको दिया गया फोर्टी नाइन पॉइंट एट फाइव थ्री और इन टेन को दिया गया सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव थ्री तो इसके हमको टेक्निकलिटी में नहीं जाना कैसे फाइंड आउट करते हैं क्या करते हैं कैसे करते हैं ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आर्टिकल कौन से हैं तो वो है प्राइमरी आर्टिकल और सबसे ज्यादा वेट किसको असाइन किया जाता है तो वो किया जाता है मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल आर्टिकल को क्यों कारण क्या है आप ये इस इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमने राइस का प्रोडक्शन किया चावल का प्रोडक्शन किया तो आप ये देखो राइस का प्रोडक्शन होता है उसमें आ, किसान की मेहनत लगी खेती लगी जो भी लगी सब हो गया अब बिरयानी बनने तक ठीक है बिरयानी बनने तक बीच में कितना खर्चा हो रहा है टैक्स देना पड़ रहा है उसके बाद इसको प्रोसेस्ड करना पड़ेगा पैकिंग करनी पड़ेगी उसके बाद मार्केट में आके बिकेगा फिर बनाने वाला पानी लाएगा सामान लाएगा कुछ भी करेगा उबालेगा तो बिरयानी बनाने की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो राइस से ज्यादा ही आएगी हमेशा के लिए ठीक है इसलिए इसलिए मैन्युफैक्चर गुड्स कुछ भी होते हैं उनकी जो वेटेज उनको ज्यादा दिया जाता है तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको मेमोराइज कर लेना क्योंकि डब्ल्यू का बेस ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये चीज है मिसिंग है अभी तक ठीक है तो जो फर्स्ट ग्रेड मतलब जो हायर ग्रेड के एग्जाम होते हैं राजस्थान में उसमें ये चीज पूछी जा सकती है क्योंकि जो एग्जामिनर है उसका भी दिमाग इस तरफ आ सकता है कि हाँ ये तो हमने बहुत पूछ लिया थोड़ा सा अंदर पूछता है और सीधी सीधी, सीधी बातें इसमें लिखी गई हैं जब इकोनॉमिक रिव्यू में तो एग्जामिनर को भी हिचक नहीं होगी बनाने में बेहिचक बना सकता है उस चीज़ को ठीक है फिर आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है हमारा अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कितने टाइप के होते हैं चार टाइप के होते हैं उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर होगा एग्रीकल्चर लेबर होगा रूरल लेबर होगा और रूरल और अर्बन मिक्स होगा ठीक है उसमें जो शुरू के तीन हैं उसमें जो शुरू के तीन हैं सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर सी पी आई एग्रीकल्चर लेबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर ये तीनों बनाए जाते हैं शिमला के द्वारा ये दोनों निकाले जाते हैं तीनों निकाले जाते हैं शिमला के द्वारा और एक चौथा है जो सी पी आई रूरल एंड अर्बन मिक्स वाला ये निकाला जाता है एन एस एस ओ न्यू डेली से ठीक है नेशनल सर्वे स्टेटिकल ऑफिस जो होता है नेशनल एन एस ओ सॉरी एन एस ओ नेशनल स्टेटिकल ऑफिस न्यू uh, डेली से तो देखो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल द सी पी आई प्राइस इंडेक्स इंक्लूडिंग आईडब्लू एल आर एल एंड बाई शिमला लेबर ब्यूरो तो ये गलत, ये देखो, ये गलत देखो क्वेश्चन आया था एक बार ISP का क्वेश्चन भी ये कि जो आई डब्ल्यू वाला है आई डब्लू का पूछा था सीपीआई आई डब्ल्यू कौन रिलीज करता है कौन सी संस्था करती है तो शिमला वाली करती है ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ऑल द सी पी आई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूडिंग ये चारों आर रिलीज्ड बाय शिमला ठीक है तो ये स्टेटमेंट अपने आप अपने आप में गलत स्टेटमेंट है क्यों क्योंकि तीन तो शिमला कर रहा है और ये चौथा कौन कर रहा है न्यू डेली के द्वारा किया जा रहा है अब देखो सीपीआईडब्ल्यू सीपीआईआईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर है इनका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ फिक्स्ड बास्केट होता है फिक्स्ड बास्केट का मतलब क्या गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब कि एक, आ, मतलब कि एक आ, बास्केट बना लिया इस टाइप से इसके अंदर तीस गुड्स एंड सर्विसेज डाल ली जैसे मूंगफली डाल ली देन बिस्कुट डाल लिया गाजर डाल लिया सर्विसेज में जैसे बैंकिंग डाल ली तो ये सारी चीजें हैं एक बास्केट होता है तो हमको इतनी मैं वापस बता रहा हूँ इतना ज़्यादा हमको इसमें डीप में नहीं जाना है बस ये याद रखना है कि इसका एक बना लिया जाता है अब द टारगेट ग्रुप ऑफ सीपीआई डब्ल्यू आर वर्कर्स ऑफ ये ध्यान रखना कहाँ के हैं फैक्ट्रीज माइनिंग प्लांटेशन मोटर ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स एंड डॉक्स रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेब्लिशमेंट हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी हम अगर मेंस लिखने जाते हैं कभी तो ये नाम अगर डाल देंगे थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका यूज क्या किया जाता है डी जो डीए मिलता है जो सरकारी कर्मचारियों को या प्राइवेट कर्मचारियों को डीए मिलता है उसका उसका निर्धारण करने में सीपीआई आईडब्ल्यू पहले डब्ल्यू का यूज किया जाता था लेकिन बाद में आई थिंक 2013-14 के बाद से इसका सीपीआईआईडब्लू का यूज किया जाने लगा डीए को निर्धारित करने में ठीक है तो ये सीपीआई आई के बारे में था अब हम आते हैं सीपीआईआईडब्ल्यू का बेस ईयर ठीक है यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा लेकिन यहाँ पे क्या है सीपीआई आई का बेस है दो कब से चेंज किया गया देखो प्रेजेंटली ईयर चेंज कर दिया गया है तो इसमें क्या है अलवर भीलवाड़ा और जयपुर सेंटर है हमारे यहाँ पे ठीक है अलवर भीलवाड़ा और जयपुर सेंटर है जहां से सीपीआई का मतलब यहाँ पे सीपीआई का डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद शिमला भेज दिया जाता है तो अब जो भीलवाड़ा है सॉरी जो अलवर है इसकी जगह पहले क्या हुआ करता था अजमेर हुआ करता था ठीक है पहले अजमेर सेंटर से जाया करता था लेकिन अब अलवर के स्थान पर क्या यूज किया जाने लगा सॉरी अजमेर के स्थान पे क्या यूज किया जाने लगा, लगा? अलवर को तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि पहले ये होता था लेकिन सितंबर 2020 से जब से बेस ये चेंज किया गया है तब से इसको किया जाने लगा क्यों कैसे क्या होगा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बस इतना याद रखना कि क्या चीज है ये कहाँ से जा रहा है अलवर से भीलवाड़ा से जयपुर से इससे पहले कहां से बेस ईयर क्या है दो हजार सोलह किसका एग्रीकल्चर लेबर एग्रीकल्चर लेबर की बात करें हम लोग तो इनका बेस इंडेक्स तो सबसे पीछे गया छियासी से इत्यासी इक्वल टू हंड्रेड और ये किसके द्वारा प्रिपेड किया जाता है शिमला के द्वारा और इसका बेस ईयर क्या है नाइनटीन एट्टी सिक्स और एट्टी सेवन ओके okay. नेक्स्ट है रूरल अर्बन कंबाइंड अब कंबाइंड थोड़ी आएगा ठीक है रूरल अर्बन ये क्या लिखा था हुँ. देखो एग्रीकल्चर लेबरल और रूरल लेबरर इसका किसके द्वारा किया जा रहा है शिमला के द्वारा किया जा रहा है और बेस बेसियर क्या रखा जा रहा है 1986 और 87 ठीक है हम बात करते हैं अब रूरल अर्बन की तो इसका बेस ईयर क्या है 2012 है बेस ईयर बेसियर सब क्या करना यहाँ पे नाम लिख लेना इंडेक्स और यहाँ पे लिख देना बेस ईयर और एक टेबल बना लेना कि किसका कौन सा है किसका कौन सा है घर के सामने दीवार है वहाँ पे चस्पा कर लेना और ऐसा नहीं हो कि आप लोग को हैश टैग घमंड में हूं मैं को सब आता है दीवार पे चस्पा कर लोगे कहा जहाँ पे बार बार नजर पड़े तो आप स्टिकी नोट्स बना के रखा करो दीवार पे लगा दिया करो ताकि बार बार नजर पड़े तो वो चीजें याद होती रहे दिमाग दिमाग में बैठी रहे दिमाग से बाहर ना निकले बात करते हैं रूरल अर्बन कम्बाइंड की तो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज सी पी आई विदियर टू थाउजेंड ट्वेल्व जिसमें ये सब होता है और कब से हो रहा है 2011 से ठीक है तो ये था हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस के बारे में सब कुछ अब हम आते हैं कॉपरेटिव वाले पोर्शन पे ओके पे कौर्परेट, ओकेटिव वाला एंड में देखेंगे सबसे पहले हम इससे पहले देख लेते हैं रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इस चैप्टर का नाम क्या है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज तो इसमें जो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कल भी बताया था कि हर चैप्टर के स्टार्ट में आप लोग ओपन करोगे तो एक पिंक कलर की पट्टी बनी हुई है पिंक कलर का बॉक्स अब बना हुआ है उसके अंदर ये सारे पॉइंट रखे गए हैं और ये आपको रटने ही रटने हैं बाकी कुछ करो मत करो सब ऑर्डिनेट एग्जाम के लिए इसको रटना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ठीक है तो इसमें आप देख सकते हो आ, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना वॉर लॉन्च ऑन ट्वेंटी सेवंथ नवंबर टू थाउजेंड इन विच वन विलेज इन इस डिस्ट्रिक्ट इज टू बी एंड डेवलप अकॉर्डिंग टू गांधी वैल्यूज इसपे हम देखेंगे गांधी वैल्यूज क्या है इसके बारे में पूरा तो कब लॉन्च की गई थी ये ध्यान रखना सत्ताईस नवंबर 2019 को देन एम पी जो एम लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें एक करोड़ रुपए पर ईयर विल बी यूज्ड ओनली वर्क रिलेटेड टू हेल्थ दो हजार है एम एल ए फंड के वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए जाएंगे देन कोविड नाइन्टीन के टाइम में गरीब कल्याण रोजगार अभियान ट्वेंटी टू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के जिसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फिर महात्मा गांधी मगनरेगा है उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा डेटा है तो इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं तो डेटा देख लेना क्या है देन अंडर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना दो लाख अठारह हजार पांच सौ तो नए हाउस बनाए गए दो हजार बीस इक्कीस अब टू तो दो हजार बीस याद रखना है इस चीज को इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर दिया हुआ है मैंने रोज रोज बता रहा हूँ एक चीज को एलईडी लाइट के नंबर पूछे जा सकते हैं तो मकान के पूछा कोई बड़ी बात नहीं सिक्स बायोडीजल मैनुफैक्चर फैक्चर एंड टेन बायोडीजल रिटेल आउटलेट्स ठीक है तो क्या है

राज, राजीवी का राजीवी का इसको ये भी बोलते हैं आर जी ए वी पी रा, जी, वी, का। ठीक है। अब देखो इसमें आ, कुछ एक स्टेटमेंट है उसके बाद हम लोग इसके थोड़ी सी डिटेल और देख लेंगे इसके स्टेटमेंट क्या कहते हैं इट इज एन ऑटोनोमस सोसाइटीड इन अक्टूबर 2010 इट इज एटोनोमस ऑटोनोमस सोसाइटी अक्टोबर इन अक्टूबर 2010 एकदम सही है इस स्टेटमेंट इसके बारे में राजस्थान में का जो रूरल डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत इम्प्लीमेंट रूरल लाइवलीड एसोसिएटेड विद सेट आर्किटेक्चर ये भी सही है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड आर्किटेक्चर होता है उससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है वो इसके द्वारा किए जाते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन किसके अंतर्गत हुआ है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट

ये प्रोजेक्ट बोथ है या फिर नोटा नोटा का मतलब क्या है? मेरी में हमेशा नन ऑफ द है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बोथ एल एम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है वो भी राजीविका के तहत ही चलाया जाता है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट भी है वो भी इसी के द्वारा चलाया जाता है ठीक है ओके तो ये राजीविका के बारे में था राजीविका की आप लोग बात करोगे तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के बेस पे काम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है दस से बारह महिलाओं का समूह होता है उसके अंतर्गत वो सबसे थो, थोड़े थोड़े रुपए इकट्ठे करते हैं कोई व्यवसाय चलाती हैं तो उस व्यवसाय को चलाने के लिए राजीविका थोड़ी मदद भी करता होगा सब कुछ सारी की सारी जो असिस्टेंट है वो प्रोवाइड कराता कराना ये सब इसका काम है देन हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मग्नरेगा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा तो इसकी हम बात करें तो इसमें क्या है ए मिनिमम ऑफ वन थर्ड ऑफ बेनिफिशरी बी वुमन इसके कहने का क्या मतलब है अगर किसी गांव में सौ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है तो उसमें से थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री क्या होनी चाहिए मतलब थर्टी फोर क्या होनी चाहिए वुमन होनी चाहिए पहला स्टेटमेंट एकदम सही है देन गारंटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट विद इन डेज ऑफ एप्लीकेशन ये भी सही है अगर ऐसा नहीं होता है अगर दिन के अंदर एप्लीकेशन के पंद्रह दिन के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है तो उसको क्या मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउस मतलब बेरोजगारी होता है ना बेरोजगार ठीक है बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जब तक जैसे पंद्रह दिन की एप्लीकेशन है उसके बाद सपोज दिन के अंदर इसको काम नहीं दिया गया और एप्लीकेशन के तीस दिन बाद दिया गया तो बीच के कितने पंद्रह दिन बचे तो पंद्रह दिन तक इसको क्या दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है उसके बाद सोशल ऑडिट बाय ग्राम सभा ग्राम सभा के बाद सारे लोग इकट्ठे होते हैं सोशल ऑडिट सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है कि इंपैक्ट देखेंगे फॉर एग्जाम्पल बात करें कि स्कूल बनवा दिए ठीक है मगने के हैं स्कूल बना दिया इसका इम्पैक्ट देख रहे कुछ आ भी रहा है कि बस फालतू में रुपए लगा एक ढांचा खड़ा कर दिया स्कूल की जरूरत थी भी कि नहीं थी ठीक है एक खड्डा खुदवाया और तीन चार टांके बनवा दिए टांके मतलब पानी भरने का जो जगह होती है वो बनवा दिया अब ग्राम सभा आएगी लगेगी क्वालिटी सही है कि नहीं है हो सकता है पे दस टांके पहले से पानी की जरूरत पूरी हो रही हो बस रुपए कमाने के लिए कमा ये बना दिया तो सोशल ऑडिट में ये सब चेक किया जाता है देन वेजेस वेजेस आर आर टू टू बी बी पेड पेड एज 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 पर पर टास्क टास्क ये भी सही है as, as per इसमें एक चीज और इसको ऑल ऑफ द बहुत सही हो जाएगा एक दो और इसके इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो ऑल लोकल रेजिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत हैं जितने भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत रेजिडेंट आते हैं सबको एक वो सब मग्नरेगा के अंतर्गत आएंगे मतलब उनको काम दिया जाएगा और जैसे विलेज आइए इसके पांच किलोमीटर के रेडियस में पांच किलोमीटर के रेडियस में इसके काम दिया जाना जरूरी है अगर पांच से ज्यादा की रेडियस होगी तो दस परसेंट एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे वेजेस के दस परसेंट एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे ऐसा है उसके बाद ओके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है सीधे बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में पैसा आता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा और कोई कॉन्ट्रेक्टुअल कोई कॉन्ट्रैक्ट इसमें अलाउड नहीं होता ठीक है तो मग्नरेगा की खासियत थी सारी तो यहां से स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंट असिस्टेंस इन प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री पी एम ए वाई जी ठीक है शॉर्ट फॉर्म ये लिखा जाता है इसको तो इसमें प्रोवाइड कराई जाती है एक लाख बीस हजार एक लाख बीस हजार रुपए की असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाता है ये कब लॉन्च की गई थी ट्वेंटी नवंबर 2016 को और इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो जो सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था एक जिसके डेटा अभी तक ज्यादा नहीं आए बार 2011 के अंतर्गत 2011 में हुआ था तो इस जो बेनिफिट सिलेक्ट होते हैं इसके तहत होते हैं एक एक लाख बीस हजार एक लाख बीस हजार रुपए इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं असिस्टेंट के तौर पे साथ ही साथ में बारह हजार रुपए और दिए जाते हैं बारह हजार रुपये और दिए जाते हैं वो किस लिए जा, दिए जाते हैं टॉयलेट बनाने के लिए टॉयलेट बनाने के लिए लेकिन किसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ठीक है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बारह हजार रुपए और दिए जाते हैं अगर हम बात करें अगर हम बात करें सिक्सटी और फोर्टी का शेयर है सेंटर का और स्टेट का ठीक है सेंटर स्टेट का है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेस्ड मतलब प्रोग्राम चलाए गए अलग अलग आ, आप लोगों को इसके बारे में सुना भी होगा अभी स्टेनो इस में इसका क्वेश्चन आया था ठीक है आई थिंक मगरा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था कि मगरा के अंतर्गत कौन सा नहीं है ऐसा करके कुछ आया था तो इसमें क्या है डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं और उसके सॉरी ये डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखा है उसके सामने डिस्ट्रिक्ट के कितने डिस्ट्रिक्ट में इसको चलाया जाता है एक एक करके हम बात करते हैं तो मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम दो डिस्ट्रिक्ट एकदम सही है कौन कौन से हैं जहाँ पे मेव जाति की बहुलता है अलवर और भरतपुर अलवर एंड भरतपुर मेव आंदोलन भी हुआ था आप लोगों को बताना है किस वजह से हुआ था उसका क्या परिणाम हुआ था किस साल में हुआ था किसके निर्देशन में हुआ था ठीक है तो इसमें मे मेव लोगों के होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है मेवात एरिया कहा जाता है ये प्रोग्राम कब से चलाया जा रहा है प्रोग्राम चलाया जा रहा है उन्नीस सौ छियासी से ठीक है मैं बा, बात बात कर रहा हूँ मेव डेवलपमेंट प्रोग्राम की या मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की तो इसमें क्या किया जाता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डेवलपनेस ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ठीक है ये सारी बातें ओके फिर आते हैं बॉर्डर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये राजस्थान के जो चार जिले हैं बॉर्डर पे उस पर चलाया जा रहा है ईयर ईयर प्लान प्लान से तो से कब स्टार्ट किया गया इसको ये आप लोगों को खुद ढूंढना पड़ेगा सेवन फाइव ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो काफी चीजें याद होती है सेवन फाइव ईयर प्लान ढूंढने में आप फिफ्थ भी देखोगे एट भी देखोगे प्लान हॉलीडे भी देखोगे रोलिंग प्लान भी देखोगे ठीक है तो बी एडीपी का जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में बी एडीपी का आ जाता है जो चार बॉर्डर के जिले हैं वहां पे चलाया जा रहा है एकदम सही है जैसलमेर बीकानेर गंगानगर और बाड़मेर ठीक है इसमें जोधपुर का नाम शामिल नहीं है ध्यान रखना जोधपुर का इसमें शामिल नहीं है तो फिर आता है हमारा डांग एरिया डांग एरिया की बात करें तो डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है आठ जिलों में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी क्योंकि डांग एरिया किसमें चलाया जा, जा रहा है आठ जिलों में और यहाँ पे लिखे गए हैं सात जिले अगर मैं डांग एरिया वाले जिलों की बात करूँ डांग एरिया वाले अगर मैं जिलों की बात करूँ तो सवाई एस एम पी लिखते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में देन करौली एक इसमें आ जाएगा अपना धौलपुर बारह झालावाड़ भरतपुर कोटा और बूंदी आठ हो गए क्या एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ठीक है इन आठ जगह पे चलता है फिर हम बात करें मगरा डेवलपमेंट प्रोग्राम की तो मगरा डेवलपमेंट प्रोग्राम है पांच जिलों में चौदह ब्लॉक पांच जिले कब चालू किया गया ये दो और छह में कब चालू किया गया दो हजार में चालू किया गया था और डांग एरिया को री लॉन्च किया गया था दो हजार में ठीक है ओके तो ये था इसका आंसर देख लिया हमने द अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट तो अथॉरिटी की बात करें ए बनी थी 2007 में कब बनी थी ये 2007 में और हमने बायो बायोफ्यूल रूल्स देखे थे कब आए थे वो 2019 में आए थे ये सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में देखे थे इसके जो थे 2019 में बायोफ्यूल के लिए रूल आए थे तो उसके बाद है एक है स्वविवेक जिला विकास स्वविवेक जिला विकास और ये स्टार्ट हुआ दो हजार पाँच छः में दो हजार पाँच और छह में स्टार्ट हुआ है इसमें क्या है वाटर शेड मैनेजमेंट माइक्रो इरीगेशन एनिमल हजबेंड्री और भी कुछ ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करना हो तो मतलब गांव की जितनी समस्याएं है सब लिख सकते हो इलेक्ट्रिफिकेशन तो इन से रिलेटेड काम करना है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके बारे में कोई निर्णय ले सकता है ओके okay? नेक्स्ट है इन फेज फोर ऑफ सांसद आदर्श ग्राम योजना हाउ मेनी ग्राम पंचायत वाज इलेक्टेड बाय एम इन राजस्थान तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ग्राम पंचायत को इलेक्टेड सेलेक्ट किया गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना ये स्टार्ट की गई थी हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा कि हर एक जो सांसद है अपने वहाँ पे जाके गांव को विकसित करेगा इस टाइप से था पूरा का पूरा तो यही क्वेश्चन भी बहुत अच्छा जो मैंने पूछा है इसमें आप लोग कहाँ गया वो ठीक है ये थर्टी फोर है फेज फोर में जो सिलेक्ट किए गए थे राजस्थान में थर्टी वन किए गए थे फेज टू में सेवनटीन किए गए फेज थर्ड में ये किए गए फेज फोर में और फेज फाइव के अभी तक दस किए जा चुके हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेन वॉज द स्मार्ट विलेज स्कीम वाज इनिशिएटेड ये क्वेश्चन है इस टेनो का बच्चे सोच में पड़ गए ये क्वेश्चन कैसे आ गया तो ये क्वेश्चन आया है हमारा सीधा सीधा उठ के कहाँ से इकोनॉमिक रिव्यू से ठीक है स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था दो हजार में दो हजार में किया गया था विद एम टू डेवलप एम टू डेवलप विलेजेस और पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए तीन हजार से ज्यादा ठीक है और इसको एम टू डेवलप विलेजेस लाइक मॉडर्न अमेनिटीज इन सिटी ठीक है जैसे कि एल लाइट लगाना एलईडी लाइट स्ट्रीट्स पे पार्क का पार्क बनाना निर्माण करना ओपन जिम सोलर लाइट लगवाना ठीक है और प्राइमरी पीएचसी बनवाना ये सब है स्मार्ट विलेज के अंतर्गत देन आता है हमारा महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना वॉज लॉन्च ऑन तो ये लॉन्च की गई थी सत्ताईस नवंबर दो को ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग में भी इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ था और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ठीक है मैंने क्वेश्चन लेके आ गया ये वाला इसमें क्या किया जाता है गांधीयन वैल्यूज गांधी गांधीयन गांधी जी को वैल्यूज थी सत्य और अहिंसा सॉरी सत्य और अहिंसा उस पर चलते हुए किसी गांव को विकसित करना और द मेन एक्टिविटीज हैं फैमिली वेलफेयर फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल चिल्ड्रन हेल्थ स्क्रीनिंग यही सब है उसके बाद इसमें एक दो काम और हुए थे जैसे कि मेरा गांव मेरा गौ मेरा मेरा गाँव मेरा गौरव ये डे मनाया गया हर साल चौदह नवंबर का ऐसा कहा गया कि चौदह नवंबर को हर साल मनाएंगे उसके बाद इंडिपेंडेंस डे महात्मा गांधी जयंती रिपब्लिक डे है उसको गांधी जी के आधारित थीम पे कुछ किया जाएगा वाचनालय ये स्टेब्लिश किए गए ट्वेंटी टू डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के ठीक है तो महात्मा गांधी ग्राम योजना के बारे में देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन रू मतलब रूरल अर्बन को मिक्स करके रू अर्बन लिख दिया ये मिशन है तो ये क्या है टू मेक आवर रूरल एरिया सोशली इकोनॉमिकली एंड फिजिकली सस्टेनेबल रीजन मिशन इज ऑन स्ट्रेंडन रूरल एरिया बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चरिटीज देन नेशनल रू अर्बन मिशन एम्स टू क्रिएट थ्री हंड्रेड सच रू अर्बन ग्रोथ क्लस्टर ओवर द थ्री इस ठीक है सिक्स क्लस्टर सिलेक्ट किए गए राजस्थान के

दो अक्टूबर उन्नीस को स्टार्ट की गई थी ठीक है उसके बाद चौबीस अप्रैल उन्नीस को है चौबीस अप्रैल का जो दिन है इस दिन क्या था कि पंचायती राज इंडियन हिस्ट्री में आया पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इसको स्टेटस इस मिला 24 अप्रैल के दिन आप लोग को दो से तीन दिन याद रहना जरूरी है सबसे पी आर को स्टेटस मिला 24 अप्रैल को ही 1973 को केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आया था 24 अप्रैल को ही क्रिकेट के भगवान कहे जाने जाने वाले सचिन तेंदुलकर का बर्थडे होता है ठीक है तो चौबीस अप्रैल की कितनी महत्ता है ठीक है याद रखना सब चीज़ों को एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा आप लोग अभी स्वेज केनाल के थोड़ा सा लीक सेट गया जैसे स्वेज केनाल के बारे में सुनते हो स्वेज कनाल स्वेज कनाल के स्वेज केनाल कब बनी थी तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि स्वेज कनाल का संबंध महात्मा गांधी जी से है स्वेज कनाल का संबंध महात्मा गांधी जी से है मतलब इनका जब जन्म हुआ था उसी साल स्वेज कनाल बनी थी तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था अठारह में इस साल सुरेश केनाल बनकर के तैयारी हुई थी मतलब अठारह सौ उनहत्तर में अगर आप इसको ए, आ, ऐसा कहें कि हम अगर रिलेटिव याद रखेंगे ना इस चीज़ को महात्मा गांधी से संबंध है कैसा है इनके जन्मदिन से तो थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा ऐसा मेरा मानना है जो मेरे को पता था मैंने बता दिया बाकी आप लोगों को याद रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जरूरी नहीं महात्मा गांधी में घुसो डायरेक्ट भी याद रखा जा सकता है इसको ठीक है तो अब हम आते हैं इस पर मेन चीज की कितनी जिला परिषद और पंचायत समितियाँ हैं तो अगर मैं बात करूँ जिला परिषद की तो वो है थर्टी थ्री और पंचायत समितियाँ हैं थ्री फिफ्टी थ्रू सॉरी थ्री फिफ्टी टू अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत की जीपी के तौर पे लिख रहा हूं जिसको वो है 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 ठीक आपको पता थ्री 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 स्तरीय सिस्टम है, सिस्टम सबसे पहले क्या होती है, ग्राम पंचायत फिर इंटरमीडिएट लेवल जिसको पंचायत समिति कह दिया जाता है फिर सबसे ऊपर क्या होता है जिला परिषद होता है ठीक है थ्री होते हैं थ्री लेवल्स होते हैं उसके बाद हम पंचायती राज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं गुजरेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पढ़ा होगा इसमें दो से तीन है दो सौ तेलीस की इलेक्शन कमीशन के बारे में दो सौ तेलीस आई फाइव आई है फाइनेंस कमीशन के बारे में देन दो सौ टैक्स की पावर है जो भी हॉर्स पावर तो जी भी होगा जी एच 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 जी है हमारा इसके जो कार्य बताए गए हैं उसके बारे में तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आई फाइव ओके नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द्रूथ अबाउट ट्रू अबाउट फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन

5 25 ऑन द बेसिस ऑफ इस पे आता हूं मैं फंड डिस्ट्रीब्यूशन पीआरआई विल बी इन रेशियो 5 20 uh, 20 एंड 75 ये किसके लिए दे रखा है ये दे रखा है रेस्पेक्टिवली और वो भी रेस्पेक्टिवली किसके लिए आ, अगर हम बात करें इसमें तो जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत

ये चीज याद रखना यहाँ से ये जो चाय स्टेटमेंट है यहाँ से क्वेश्चन पक्के आने के हाउस होल्ड लेटरिंग होगी कम्युनिटी सैनिटरी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट तो हम बात करें इसकी तो गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन सेकेंड अक्टूबर दो को लॉन्च किया था ठीक है और उसके तहत मार्च दो को जो राजस्थान स्टेट है उसको ओपन डिफिकेशन फ्री मतलब खुले में शौचालय से मुक्त घोषित कर दिया गया फिर सेकंड फेज में 2020-21 में ये वाली स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चालू की गई दो हजार वाले में ये चालू किया गया अब इसमें क्या है सबसे पहला प्रोविजन इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग हाँ है इसमें जो बीपीएल है या आइडेंटिफाइड अबो पॉवर्टी लाइन वाले हैं एस सी एस टी हाउस होल्ड हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मल है उनको बनाने के लिए बारह हजार रूपए दिए जाएंगे ठीक है अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था बारह हजार रुपए इसके तहत दिए जाते हैं फिर कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स तो ग्राम पंचायत पे बनाया जाएगा डिसेबल पर्सन के लिए अलग से और सैनिटरी कॉम्प्लेक्स जो मतलब कहते हैं ना सोलर कॉम्प्लेक्स टाइप का वैसा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी सुविधा की जानी इसमें प्रस्तावित है ठीक है तो ये है ऑल ऑफ द अबोव फिर हम बात करें तो पंचायत अवार्ड दिए जाते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार क्या है दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार तो किस किस को मिले हैं वॉल्डी है, है राजस्थान के पी जिला परिषद है गंगानगर की पंचायत समिति है दो जगह की जोधपुर और लाडपुरा उसके बाद ग्राम पंचायत है पांच ये पांच ग्राम पंचायत इसमें जो सबसे कम नंबर है इन दोनों के मतलब ये एक है ये दो है ये याद रख लेना ये याद रखो ना रखो आप पे डिपेंड है ठीक है तो ये अवार्ड है उसके बाद इस क्षेत्र में एक अवार्ड और दिया जाता है नानाजी देशमुख राष्ट्र गौरव ग्राम सभा पुरस्कार नानाजी देशमुख राष्ट्र गौरव पुरस्कार ये याद रखना ये भी किससे रिलेटेड है ग्राम पंचायत के पुरस्कारों से देन रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी जिसको रूडा के नाम से जाना जाता है इसको नंबर उन्नीस सौ में, में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेब्लिस किया गया था रूडा फॉलोज सब सेक्टर इंटीग्रेटेड एंड क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉर प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर आर्टिशियन फैमिलीज एज वाइबल एवेन्यू और फॉर द डेवलपमेंट और आर्टेशन देखो ये सारी बातें तो ऐसी हैं कुल मिला के ऐसा है कि रूडा का भी याद रख लेना फुल फॉर्म ठीक है रूडा का याद रख लेना फुल फॉर्म और उसके बाद इसका काम क्या है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाना और तीन क्लस्टर पे काम करता है तीन मेजर क्लस्टर पे काम करता है लेदर क्लस्टर पे वूल एंड टेक्सटाइल पे और माइनर मिनरल पे ठीक है और हम बात करें जीआई रजिस्ट्रेशन का तो जस्ट लाइक like, पोकरण पोट्री हो गया पोकरण की पोट्री होगी ब्लू पोट्री हो गई कोटा डोरिया हो गया तो ये सब इसके संरक्षण में मतलब इसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया तब जाके इनको मिला है कांगानेर और बगरू प्रिंट हो गया ठीक है तो ये रूडा का, का काम है सारा का सारा यहाँ पे हमारा जो एक चैप्टर था रूरल डेवलपमेंट वाला वो कम्प्लीट सा है तो एक और इसमें इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था राजस्थान में तो ये 2009-10 में किया गया था ठीक है 2009-10 में किया गया था लेकिन इसके जो भी प्रोडक्ट हैं प्रोजेक्ट हैं वो अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चल रहे हैं 2005-15-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसके अंतर्गत ये अभी चलाए जा रहे हैं फिर आते हैं हम किसान सेवा पोर्टल ये थोड़ा कॉपरेटिव से रिलेटेड है सेकंड चैप्टर का एग्रीकल्चर वाले उससे रिलेटेड थोड़ा सा पोर्शन है किसान सेवा पोर्टल क्या है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसने किसान सेवा पोर्टल लॉन्च किया है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड स्कीम ऑफ सिंगल्लेटफॉर्मल्पमेंट फॉर पॉलिसी इन दंट्री ठीक है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना जिसमें आई थिंक छह हजार रुपए साल के दिए जाते हैं किसानों को तो उसके लिए उन और बाकी जो भी सुविधाएं हैं बाकी जो भी योजनाएं हैं किसान से रिलेटेड उनका लाभ दिलाने के लिए इसका स्टार्ट इस किया गया है? Then, राज, राज सहकार मतलब राजस्थान सहकार पोर्टल वेरियस स्कीम है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के उसके लॉन्च किया गया है जैसे एमएसपी ऑनलाइन पेमेंट न्यू एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी एनजीओ के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तो ये सारी चीजें हैं राज सहकार पोर्टल पे ज्ञान सागर क्रेडिट स्कीम टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स फॉर एडमिशन इन प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज अंडर दिस मैक्सिमम लोन लिमिट छः लाख अब्रॉड के लिए सॉरी इंडिया के लिए छह लाख है और बाहर जाओगे तो दस लाख है और जीरो पॉइंट फाइव परसेंट टेलीफ इंटरेस्ट रेट टू गर्ल स्टूडेंट तो ज्ञान सागर क्रेडिट स्कीम सहकार से रिलेटेड है और बच्चों को देने के लिए देन कोऑपरेटिव फार्मर्स वेलफेयर स्कीम और जन औषधि केंद्र तो इसके बारे में पढ़ लेना वीडियो यहाँ पे रोक के कुछ नहीं है सिंपल सी चीजें हैं आपको पता पड़ जाएगा वन जन औषधि केंद्र एट सवाई मानसिंह हॉस्पिटल एंड वन इन सन टोकबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल जयपुर आर बींग ऑपरेटेड बाय कॉन्फेड ठीक है तो ये है पूरा हाँ यहाँ पे एक चीज आपको ढूंढनी है नाइट पे ढूंढो कहीं भी ढूंढो कॉन्फेड की फुल फॉर्म क्या है ठीक है कॉन्फेड की फुल फॉर्म आप लोगों को ढूंढनी है और मैं ये करने के लिए क्यों कहता हूँ ताकि आप लोग वो करोगे तो काफी चीजें आपकी नजरों में आएगी एक से दो चीज और खुद पता चलेगी ठीक है अगर मैं चाहूँ मैं फुल फॉर्म यहाँ पे बताई निकल गया आपको याद रहे नहीं रहे लेकिन इस चीज को थोड़ा सा खुद एफर्ट डालोगे तो दो से तीन चीजें सामने आएगी नाइट पर ढूंढो चाहे बुक में बुक में भी ढूंढोगे तो उसके आस की चीजों पर नजर जाएगी तो वो चीजें दिमाग में ज्यादा बैठती हैं इसलिए कुछ एक चीजें खुद करनी चाहिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थर्टी थ्री है राजस्थान में जिसमें से थ्री अंडर रेलवे सैलरी अर्नर ओके सो okay? so, ये था हमारा अभी तक थ्री चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हमारे उसमें से कुछ भी छोटा है इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने बता दिए लगभग ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे जो लास्ट ईयर में चुके हैं अभी वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैंने डिस्कस कर लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है इंडस्ट्रीज तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू बी विद मी बी विद स्टडी आई क्यू